इंडिया पटना। लंबे जद्दोजहद के बाद बिहार में शुरू हुई शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया रुक गई है। वजह है पंचायत चुनाव। शिक्षा विभाग के मुताबिक शिक्षकों की रुकी हुई बहाली दोबारा कैसे शुरू होगी, इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग से संपर्क साधा गया है। दूसरे शब्दों में कहें तो राज्य निर्वाचन आयोग से हरी झंडी मिलने के बाद ही शिक्षक नियोजन शुरू हो पाएगा। इससे पहले शिक्षा विभाग ने यह दावा किया था कि पंचायत चुनाव का असर नियोजन पर नहीं पड़ने वाला है। ऐसे में यह सवाल खड़ा होता है कि विभाग के पहले का दावा गलत था या अब। शिक्षक बहाली पर पंचायत चुनाव का ब्रेक। शिक्षा विभाग के बड़े बड़े दावे हवा में उड़े। 1,20,000 शिक्षकों की बहाली कब होगी? उम्मीद थी कि 1,20,000 युवाओं को नौकरी मिलेगी, स्कूल के छात्रों को शिक्षक मिलेंगे, लेकिन क्या हुआ? पंचायत चुनाव ने बहाली पर ब्रेक लगा दी। अभी तक सिर्फ 38,000 अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग हुई है और दूसरे अभ्यर्थी बाट जोह रहे हैं। सर, मेरा काउंसलिंग जुलाई महीने में झाझा नगर पंचायत में हुआ था और उसके बाद उम्मीद था कि विभाग जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को खत्म कर हमारा डॉक्यूमेंट जांच कर नियुक्ति पत्र दे देगा, लेकिन आज तक अभी कई सारे जिले ऐसे हैं जो अभी तक लेटर तक नहीं निकाले हैं कि कैसे जांच करना है, किसको जांच करना है, कोई प्रक्रिया कैसे चल रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। चलिए, ऐसा हुआ है कि 2 चरण की काउंसलिंग गवर्नमेंट करवा चुकी है और सरकार की ही गलत नीतियों के कारण बहुमत में अभ्यर्थी अभी बाकी है 3रे चरण के लिए, लेकिन 2 महीना बीत चुका है, सरकार अभी तक 3रे चरण के लिए कहीं कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। तो हमारी सरकार से अपील है कि जल्द से जल्द 3रे चरण की काउंसलिंग हम लोग का करवाए। पंचायत चुनाव होना है, इसकी जानकारी शिक्षा विभाग को भी थी, लेकिन विभाग ने दावा किया कि इसका असर बहाली पर नहीं होगा। लेकिन शिक्षा विभाग के दावे हवा में उड़ गए। विभाग की अब सफाई आई है कि राज्य निर्वाचन आयोग से संपर्क साधा जा रहा है ताकि बहाली की प्रक्रिया फिर से शुरू की जाए। पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट राज्य में लगा हुआ है, तो शिक्षा विभाग ने प्राथमिक शिक्षकों के लिए, माध्यमिक के लिए और जो उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं उनके लिए राज्य निर्वाचन आयोग से हम लोगों ने गो अहेड मांगा है, सहमति मांगी है ताकि इस प्रक्रिया को हम बरकरार रखें और वहां से जैसा निर्देश आएगा वैसी कार्रवाई की जाएगी। जुलाई 2019 में शिक्षक नियोजन शुरू हुआ और अक्टूबर 2021 तक ये जारी है। अभी तक शिक्षकों की बहाली का काम पूरा नहीं हुआ है, ये हाल है बिहार का। सवाल सरकार की मंशा पर भी उठ रहे हैं। हालांकि शिक्षा विभाग ने चुनाव से पहले ये कहा था कि पंचायत चुनाव का असर 6ठे दौर के शिक्षक नियोजन पर नहीं पड़ेगा। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ प्रीतम कुमार, जी मीडिया पटना। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।